गर्मियों की एक खूबसूरत शाम चटाई पर बच्चों की किलकारी गूंज रही थी और उन्हें नानी की कहानी का इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक प्यासे कौवे की कहानी सुनाऊंगी। एक तीखी गर्मी की दोपहर प्यासा कौवा पानी की तलाश में दूर दूर तक देखता है, लेकिन उसे एक बूंद भी नहीं मिलती। अंत में उसे एक कुटी के पास एक प्याला पानी का मिलता है, पर दुर्भाग्यवश प्याले की गर्दन बहुत ही संकीर्ण है। प्यासा कौवा कोशिश करता है, लेकिन वह पानी तक नहीं पहुंच सका। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मैं प्यास से मर जाऊंगा, कौवा मन ही मन बुदबुदाया। कौवा कुछ समय तक मनन करता है और अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक एक करके उन कंकड़ों को उठाया और धीरे धीरे प्याले में गिराना शुरू किया। हर गिरते पत्थर के साथ प्याले में पानी का स्तर बढ़ता जाता है और पानी कौए की चोंच तक आ जाता है। कौआ दिल खोलकर पानी पीता है और अपने पंख फहराकर खुशी से उड़ जाता है। तो बच्चों, ये कहानी बताती है कि मेहनत और सूझबूझ का फल जरूर मिलता है। बाय बाय बच्चों, हमारी संस्कृति से संबंधित अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।